गुड इवनिंग ऑडियो प्लीज टाइमली गुड इवनिंग एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है गुड इवनिंग मेघा जी पूजा जी मिस अफरीन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी ओके okay, एक बात बता दूं आपको कि आपको ना आज पीडीएफ मिल जाएगी मैग्जीम्स ऑफ टीचिंग की ठीक है एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है यस yes या नो ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी ऑल क्लियर मैम ठीक है वाईफाई ठीक हो गया आपका ज़ोया आज क्या बताया आपको कि क्या हुआ है आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है शिमला में एक्चुअली मेरे घर के पास बादल फटा है दो जगह इवन हमारी बिल्डिंग के पास से गया है इतना स्लाइट मैंने लाइफ में पहली बार देखा पर थैंक गॉड कि किसी को ज़... को तो कुछ नहीं हुआ एक गया है होम स्टे और जो हमारी गाड़ी थी वो पूरा ही मीन्स की उसमें था मलवा था जो जितना भी था और उसमें दबगी वो गाड़ी सारी हमारी गाड़ी जो थी बहुत ही भयंकर हुआ है मीन्स आज हुआ है बस प्रे करो हिमाचल शिमला के लिए शिमला के ऑलमोस्ट रोड बंद है ऑलमोस्ट शिमला जो है वो रोड बंद है स्लाइड्स इतने आए हैं पेड़ इतने आए हैं पत्थर इतने आए हैं बादल फटे हैं बहुत बुरा हाल है शिमला में हिमाचल प्रदेश में इवन देन मेरे एरिया में जो, जो जिस टाइम स्लाइड आया है रियली मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी हमारी जो पूरी बिल्डिंग थी वो पूरी हिल गई थी पूरी बिल्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं मे भी आपको शो हो रहा होगा वेट करना थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको बताती हूँ शिमला की बहुत हालत खराब है आई नो आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा ये देखो ये स्लाइड आए है बहुत बुरा हाल हुआ है ये देखो इतने इतने स्लाइड आए हैं मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है और अगर आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाई जाए तो ये है जी हमारी गाड़ी नीचे लास्ट में दिख रही होगी इतने इतने स्लाइड आया है मेरे घर के पास आया है ये आज थी नहीं कंडीशन की मैं क्लास ले पाऊँ बट मैंने सोचा कि चलो क्लास तो ले ही लेते हैं क्या करें पानी के सोर्सेज खत्म ऑलमोस्ट अभी टेम्परेरी पानी को जोड़ रहे हैं लाइट गॉड की है लाइट वाईफाई नहीं चल रहा है फोन से कनेक्ट किया है अभी तो दिख रहा है मैम दिख रहा है क्लियर अच्छा ब्लर है बिल्कुल हाँ जी बस प्रे करो हिमाचल के लिए शिमला के लिए हमारे घर के पास भी दो जगह बादल फट है प्रेयर करो बस अब बहुत भयंकर हुआ है जो आज का हुआ है सीन बहुत ज्यादा भयंकर है अभी देखते हैं एडजस्ट करते हैं अगर क्लास को ले सकती हूँ मैं भी आ, कल का पता नहीं मेरा पर चलो अगर तो लाइट हुई तो ले लेंगे बाकी वाईफाई वाले को कॉल किए बट वो भी यही बोल रहा था मैम आपको नेट की पड़ी है यहाँ बोलते बादल फट गया है और इतनी बुरी कंडीशन है मैं हाँ हमारा भी यही हाल है देखते हैं फिर ठीक है आप लोग बताओ आप लोग भगवान है नहीं हाँ टेंशन तो चलो थोड़ी बहुत होती है बट बत... ये है कि चलो कुछ जान बच गई बाकी लोगों का नुकसान नहीं हुआ बाकी ऑलमोस्ट तो पूरा हमारा रोड तो पूरा खत्म है रोड हमारा पूरा खत्म है ऊपर मतलब तीन चार रोड आए हैं कंटिन्यू इस तरह से गया है पूरा बिल्कुल मैम ठीक होगा हां जी बाकी तो गॉड के हाथ में सब कुछ क्या बोल सकते हैं ठीक है जी करते क्लास को स्टार्ट ओके टीचिंग uh, एप्टीट्यूड की आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की आज ही वेट करिए मैं फ़ोन में कनेक्ट कर लूँ एक बार अगर ब्लर जाएगी ना पीपीटी तो सॉरी फॉर देट उसके लिए बिकॉज मेरे हाथ में कुछ नहीं है अभी तो पूरा शिमला ही हमारा डूबा हुआ है मैम क्लास कंडक्ट कीजिए प्रॉब्लम आएगी तो बंद कर देना क्लास मेरे यहाँ भी वेदर प्रॉब्लम है अभिषेक राय आप कहाँ से हो आप रेस्ट करें मैम परेशान लग रहे हैं सृष्टि जी चलो परेशानी तो होती है एक्चुअली अपनी आंखों के सामने देखा जिंदगी में लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है बिहार है ओके ठीक है हमारे यहाँ भी बारिश है ना शिमला के बहुत बुरे हाल है शिमला में बहुत ज्यादा बुरे हाल है रोड ब्लॉक है हमारे ऑलमोस्ट इवन मेरे घर के पास रोड ब्लॉक है कम से कम तीन चार साल लग जाएंगे ठीक होने में अब। कोई नहीं रेस्ट ही था वैसे तो पूरा दिन क्या ही किया एक घंटे तो क्लास लेनी थी कहा चलो ले लेते हैं फ्री बैठने से तो अच्छा ये है कि क्लास ले लेते जब तक है तब तक ले लेते हैं क्लास जिंदा है तब तक पढ़ा लेंगे आपको ओके ठीक है नो प्रॉब्लम एवरीथिंग इज फाइन हाँ जी आपको आज मिल जाएगी जी पी क्लियर है पीडीएफ मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की कौन सी वाली पीडीएफ मिलेगी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ओके अब लेस लेस लेट्स स्टार्ट स्टडी करते हैं अब ठीक है बस प्रार्थना करना प्रेयर करो बाकी कुछ नहीं है स्टडी करते हैं अब ओके मैम रहने दो आज क्लास नहीं नहीं साक्षी जी क्लास ले लेते हैं क्लास ले लेते हैं ठीक है अब क्लास को स्टार्ट कर दे बाकी जो भी नुकसान हुआ है कोई बात नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस भी नहीं हुई थी इवन देन अभी भी उसकी दो साल की किस्तें चल रही हैं तो बस थोड़ा सा वो इश्यू हो गया है नहीं तो, तो चलो फिर अगर इंश्योरेंस हुई होती तो मैं भी क्लेम मिल जाता हाँ बाकी गॉड तो ऑलवेज साथ ही है कोई नहीं हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा बस इंसानों को कुछ नहीं होना चाहिए जाने बचगी वही बहुत बड़ी बात थी ये तो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं ये हो जाएगी सब ठीक मैम आप हमारे छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो जाइए मेरे घर आ जाइए मैम वेलकम आपका ओके जी चलो कोई नहीं करते क्लास को स्टार्ट प्लीज इंपॉर्टेंट है क्लास ठीक है इंपॉर्टेंट है क्लास को स्टार्ट करते हैं छोड़ो अब सारी बातों को बस प्रे करना बाकी क्लास को स्टार्ट करते पीडीएफ आज मिल जाएगी टीचिंग मैग्जी की अच्छा अभी मुझे कोई बताओ कोई ऐसा है जिसको पीडीएफ नहीं मिली है टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रीवियस वाली कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो गुड दो थैंक यू फॉर थैंक यू आप सभी का आप लोगों ने इतना भी बोला वो भी बहुत है मेरे लिए मैम जम्मू कश्मीर हो जाओ, कहां, कहां जाए? आ जाओ. <laughs> अच्छा ठीक है? तो तक तक है, तो है नहीं होता तो फिर ऐसे क्लास लेने का को कोई फायदा नहीं है फिर अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस हमारा हो, ये है सिलेबस ठीक है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था और इम्पोर्टेंट है आपका किसके लिए नेट जे आर एफ ऑल्सो आपका बी एड के लिए ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखना ये हमारा हो गया ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल डेमोक्रेटिक हो चुका है टीचिंग स्टाइल या फिर भी इसको बोला जाता है क्लियर है फ्रीडम होती है जहां पर ये हमारा हो गया फॉर्मल टीचिंग इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल भी हो गया है हमारा अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टीचिंग ठीक है ये भी हम पढ़ेंगे इससे पहले हमने जो मैक्सिम स्टार्ट किए थे ना परसों वो कर लेते हैं ओके मैक्सिम्स जो हमने स्टार्ट किए थे टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए वो हम कर लेते हैं देखो हमारा ये वाला भी हो गया था फ्रॉम नोन टू अनोन ठीक है क्लियरली आपको समझ, समझा दिया था मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया था कंक्रीट टू अब हो गया था हमारा पर्टिकुलर टू जनरल हो गया था इंडक्टिव इंडक्टिव मेथड होल टू पार्ट वाला हो गया था और ये होल टू पार्ट वाला किसने दिया था बताना मुझे होल टू पार्ट वाला किसने दिया था एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मैम स्क्रीन ब्लर है हाँ बहुत ज्यादा ब्लर जा, जा रही है कोई नहीं ऐसा करते हैं ना अगर तो देखो कल तक क्लास हुई आप लोगों की ना ठीक है अगर तो कल तक सॉरी अगर कल तक वाईफाई मेरा चल गया तो सही है अगर नहीं चलता तो कल क्लास नहीं होगी फिर क्योंकि ऐसे क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे ब्लर सी पीपीटी जाए वॉइस भी जेस्टर थ्योरी नो 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 गलत नाम लिख रहे हो गलत नेम लिख रहे हो लिख रहे हो जेस्टल थ्योरी थ्योरी नहीं थी ऑल सब्जेक्ट डिवाइडेड मेनी क्लासेस मैम कल करते क्लास हाँ जी ये वाला नो मैम यही बताया गेस्टाल्ट वाला था आपका ठीक है जेस्टाल्ट वाला जी ई एस टी एल टी ठीक है इंपॉर्टेंट है ये नेम जीईस टी एल टी जस्ट आल्ट वाला इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया ये ओके जी जस्ट आल्ट थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होल टू पार्ट वाला भी हमने बता दिया था ठीक है फॉर एग्जाम्पल पूरा ट्री दिखा दिया फिर उसके बाद ट्री की ब्रांचेस बताई स्टूडेंट्स को पूरा नेट जे आर एफ का बता दिया कि ये ये नेट जे आर एफ का सिलेबस है उसके बाद यूनिट वाइज आपको पढ़ाया और यूनिट को भी पार्ट्स में डिवाइड किया फिर आपको पढ़ाया ओके साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल ये भी बता दिया था आप लोगों को इंडक्शन टू डिडक्शन ये भी हो गया था इम्पेरिकल टू रैशनल भी हो गया था ठीक है इम्पेरिकल की मीन्स लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम क्या सीखते हैं एक रैशनल डिसीजन लेना सीखते हैं कि क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है या फिर इसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ सकता है क्या नहीं पड़ सकता तो एक्सपीरियंसेस से सीखोगे इंपीरिकल का मतलब ही होता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं चीजों को लेकर मैम मेरा नहीं हुआ क्या नहीं हुआ आपका दीपमाला जी वॉइस नहीं आ रही है मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग वॉइस नहीं आ रही है क्या प्लीज एक बार एक्सप्लेन कौन सा वाला मिसफरिन टॉपिक चल रहा है जी आपका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग टॉपिक चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूट आपका यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूट यूनिट वन चल रहा है और आज ही आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की ओके आ रही है मैम आ रही है ठीक है ओके पीपीटी ब्लर है अभी भी की चल रही है पीपीटी पीपीटी क्लियर है कि ब्लर है, यस मैम क्लियर है वॉइस ओके, okay. थोड़ा सा एडजस्ट करो आपको पता ही है कि यहाँ पे बादल फटा है हमारे एरिया में वाईफाई का अभी कुछ पता है नहीं है कब तक चलता है कब तक नहीं चलता है वाईफाई पीपीटी क्लियर ठीक है फोन से कनेक्ट किया है बाकी कल का देखते क्या होता है कल का क्लियर मैम ओके ऑल क्लियर गुड गुड अब देखो फ्रॉम एनालिसिसंथिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एनालिसिस क्या है सिंथेसिस क्या है बहुत बार आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है या तो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेंगे स्टेटमेंट स्टेटमेंट या फिर वन लीनियर में पूछ लेंगे या फिर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से उस तरह का क्वेश्चन बनता है जो मैंने बताया था ए बी सी डी जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया आप लोगों का नोन टू अनोन हो गया आप लोगों का इंडक्शन टू डिडक्शन हो गया आप लोगों का साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल हो गया आप लोगों का इंपेरिकल टू रैशनल हो गया इस तरह से पूछा जाएगा और एक ऐसा मैक्सिम दिया गया होगा या एक ऐसा प्रिंसिपल दिया गया होगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैक्सिम्स नहीं होगा तो उसको नेगलेक्ट करोगे या फिर उसको बाहर निकालोगे और बाकी सबको ले लोगे इस तरह से क्वेश्चन बनता है या फिर क्वेश्चन बनता है आपसे मीनिंग पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा, जा सकता है assertion reason के फॉर्म में पूछा जा सकता है वन लाइनर के फॉर्म में पूछा जा सकता है ओके youtube पे थी नौ बजे क्लास कल क्लास में भी थी कोई बताओ अच्छा अब देखो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या है सिंपल है सिंपल है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बहुत बार क्वेश्चन बना है यहाँ से एग्जाम में

सुनना ये इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वहील एनालिसिस इज एन अप्रोच टू अ प्रॉब्लम सिंपल इज अ सॉल्यूशन और अ रेमेडी इम्पोर्टेंट है ये भी फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अ सेंटेंस विल हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक नाउन एंड लाइकवाइज एनालिसिस द सेंटेंसेस

तो मुझे इसको छोड़ो विश्लेषण और कुछ नहीं बल्कि किसी समस्या को सुपाचाय भागों में विभाजित करना इंपॉर्टेंट है, है ये लाइन और संश्लेषण इन भागों को एक साथ आना है ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है विभाजित करना और एक साथ आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जबकि विश्लेषण किसी समस्या के प्रति एक दृष्टिकोण है संश्लेषण एक समाधानिया उपाय है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उदाहरण के लिए एक वाक्यों में क्रिया संज्ञा और इसी तरह अलग अलग भाग होते हैं वाक्यों का विश्लेषण करने का अर्थ होगा इसे क्रिया संज्ञा विराम चिन्ह आदि में तोड़ना संश्लेषण करना इन सभी को एक साथ रखना इनको एक साथ जोड़ना क्लियर है अब मैं बताती हूँ बड़े को छोटे करके पकड़ना एनालिसिस थोड़ा थोड़ा तोड़कर पढ़ाना सिंथेसिस टोटल एक साथ पढ़ाना वेरी गुड वेरी गुड आप लोग तो बड़े महान है और क्या मैसेज आया है सेवन पी एम ऑन एप प्रीति जी अच्छा आई एम न्यू क्लास टाइमिंग क्या है मैम प्रीति पटेल क्लास टाइमिंग आपकी सेवन पी एम टू आपकी एट पी एम है ठीक है बट आज ये प्रॉब्लम हुई है वाईफाई की प्रॉब्लम है मेरे पास बहुत ज्यादा सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि हमारे एरिया में बादल फटा है जिस वजह से ऑल रोड ब्लॉक है शिमला हिमाचल आपका ब्लॉक है पूरी तरह से ठीक है शिमला हिमाचल ब्लॉक है इवन देन हमारे घर के पास बादल फटा है और हमारी गाड़ी तो पूरी मलबे के नीचे दब चुकी है तो आज प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज बाकी देखते अगर वाईफाई आ जाता है मेरा तो फिर मैं आप लोगों को कनेक्ट कर दूंगी क्लास को नहीं तो फिर फोन से अभी तो चल रहा है फोन के थ्रू फिर देखते हैं क्या होता है ओके देखो डायग्राम बहुत ही प्यारा है इससे आप समझ लोगे कि क्या है आपका एनालिसिस यूनिट बाय यूनिट करके पढ़ाना हां जी यूनिट बाय यूनिट करके क्या होता है कविता मलिक बादल फटने से मैंने भी पहली बार देखा मैंने सुना ही था कि बादल फटता है कि क्या होता है जब बादल फटता है ना तो जो वो पूरी जमीन होती है मीन ये देखो ये था हमारा रोड इस तरह से हमारा रोड था क्लियर है यहां से लेकर पहाड़ आए हम रहते पहाड़ पहाड़ी एरिया में यहां से लेकर पहाड़ आए और नीचे तक इवन देन नीचे होम स्टे था मेरे कजन का वो पूरा बह गया यहाँ पे हमारी गाड़ी थी मेरे घर के पास ये हमारी बिल्डिंग थी यहाँ पे इतना और यहाँ पे मेरे चाची का घर था पार को मीनस इतना गया है यहाँ से लेकर यहाँ पार तक इतना एरिया गया है बहुत भयंकर होता है मैंने भी पहली बार देखा जब बादल फटता है ना तो जमीन से जो पानी होता है ना वो उबलता है ठीक है वो पूरी तरह से फटता है और धुआं धुआं हो जाता है और पूरा ऊपर से लेके जितना भी पहाड़ होता है वो अपने साथ सारा लेके चला जाता है पूरा रोड चला गया है हमारा पूरा रोड जो मेरे घर के लिए आता है टू किलोमीटर का वो रोड है टू किलोमीटर तक खत्म शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं बस ये है कि किसी की जान नहीं गई थैंक गॉड बट मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है अपनी लाइफ में मीन्स दिल जब सोचते है ना तो दिल बाहर आ जाता है इतना ज्यादा डर गए थे नहीं घर में नहीं थे हम घर से बाहर निकल गए थे पूरी फैमिली हमारा पूरा परिवार घर से बाहर निकल गया था कोई भी घर पे नहीं था उस टाइम सब घर से बाहर निकल गए थे चलो बता दिया मैंने स्टार्टिंग में ना छोड़ो इन बातों को बस बच गए वही थैंक गॉड बाकी देखते हैं जो भी होगा अब देखो एनालिसिस क्या है आपका और सिंथेसिस क्या है प्लीज सब्जेक्ट पे आ जाओ सभी ठीक है अभी छोड़ो इन बातों को बस प्रे करो आप लोग हिमाचल और शिमला के लिए प्रेयर करो बहुत बुरी कंडीशन है हिमाचल और शिमला की प्रे करो बस पूरे पूरे पहाड़ आ रहे हैं ऊपर से नीचे ना ये प्रॉब्लम हो रही है शिमला और हिमाचल में बस प्रेयर करो अब देखो एनालिसिस क्या है आपका ये है आपका नेट का नेट की तैयारी आप लोगों को मैं करवा रही हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूट फॉर एग्जाम्पल रिसर्च रिसर्च एप्टीट्यूट आपका ठीक है और फॉर एग्जाम्पल आपका पीपल एंड डेवलपमेंट ठीक है सपोज कि यही तीन सब्जेक्ट है हमारे पास नेट में ठीक है तो अब ये तीन सब्जेक्ट है नेट में सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हो वैसे आपके नेट में टेन सब्जेक्ट है ठीक है ये तीन सब्जेक्ट है आपके नेट में यूनिट ठीक है तीन यूनिट या तीन सब्जेक्ट है नेट में तो एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि इन तीन यूनिट्स को मैंने बांट दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड पीपल एंड डेवलपमेंट अब मैं आप लोगों को क्या करूंगी कि अलग अलग पढ़ाऊंगी टीचिंग अलग पढ़ाऊंगी रिसर्च एप्टीट्यूड अलग पढ़ाऊंगी पीपल एंड डेवलपमेंट अलग पढ़ाऊंगी मीन्स की डिवाइड कर देना अब देखो सिंथिस में क्या हुआ उल्टा हो गया नेट में कितने बोले मैंने वैसे तो आपके टेन है बट ये यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको तो ये मत सिर्फ इसको डिवाइड किया था अब इन तीनों की मैं एक साथ आप लोगों को रिविजन करवाऊंगी एक साथ रिविजन करवाऊंगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एम सी क्यूज करते हैं तो वहां पे हम सारे यूनिट्स को टच करते हैं ठीक है सारी यूनिट्स होते हैं वहां पे टीचिंग रिसर्च और आपके जितने भी टेन के टेन यूनिट हैं तो वो क्या है हो गया आपका सिंथेसिस बट जब हम डिवाइड कर देते हैं चीजों को तो वो क्या हो गया एनालिसिस ओके okay, जी हाँ जी जैसे कि मिस अफरी ने भी बड़ा प्यारा बोला है जैसे कि एबीसीडी अल्फाबेट बताना और उसके बाद ए फॉर एप्पल बी फॉर वो सारी चीजें पढ़ाना ठीक है तो एनालिसिस हो गया ए बी सी डी ई एफ जी ठीक है अब इनको जब हम सेंटेंस बनाएंगे फॉर एपल वो आपका सिंथेसिस हो गया पूरा जोड़ना एक साथ कर देना सिंथेसिस हो गया एनालिसिस अलग अलग डिवाइड कर देना मैं हूँ मेरे बच्चे हैं मेरे मैं हूँ मेरे हस्बैंड है और मेरे मम्मी पापा है मेरे भाई बहन है एनालिसिस मेरी पूरी फैमिली है सिंथेसिस एक फैमिली है हम सिंथेसिस ठीक है सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया मैं मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मेरे मम्मी पापा ये वो सो एनालिसिस और सबको मैंने बोल दिया एक ही एक ही शब्द में बोल दिया माई फैमिली दिस इज माई फैमिली सिंथेसिस ओके क्लियर है जी सबको एनालिसिस सिंथिस चले नेक्स्ट फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब इसको क्या होता है कि इसको क्या सोचते हैं कि ये वाला जो मैगज है ना समटाइम ये स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही नहीं होता ठीक है यहाँ तक ही पढ़े होते हैं एनालिसिस और पढ़ा ही नहीं होता और ये एग्जाम में पूछा जाता है है कि है या नहीं है तो फिर सोच में पड़ जाते ये होगा कि नहीं होगा क्लियर है जी वेरी गुड सबके थम्स अप आ रहे हैं अब फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है यहाँ पर द यूज ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट इन एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लास Uh, मतलब ख सकते हैं ठीक है, 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 तो है ठीके? और एबस्ट्रैक का क्या मतलब होता है जो इनविजिबल होता है <coughs> जैसे की टू प्लस वन इसको हम देख सकते हैं बट अगर इसका एबस्ट्रैक हम निकाले टू प्लस वन क्या बनकर आएगा थ्री बनकर आएगा जोड़ जोड़ के हाँ एनालिसिस का मतलब सिंपल है कि जैसे मैं आपको पढ़ा दिया पूरा, तो मैंने आपकी पूरी टीचिंग रिवीजन एक ही दिन में करवा ली फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको पढ़ाया उन्नीस क्लासेस में क्लियर है और एक ही क्लास में मैंने रिविजन करवा दी सबको जोड़ जाड़ के <coughs> वो हो जाएगा अब देखो एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव वेट कर नेक्स्ट मिनट

क्या किया मैंने कि ये तो मैंने आपको बोला था बट ना मैं आपको चिड़ियाघर में लेके गई और मैंने वहाँ पे जू में बोलो या फिर ठीक है जू में हम गए और वहां पर हमने एनिमल्स को देखा एनिमल्स को देखा तो वो तो था चुण चुण तो देखा और अब आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो मीन्स की आप हाँ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि आपने चीजें देख चुके हो कहीं ना कहीं ठीक है शिक्षा में वास्तविक वस्तु का उपयोग में महत्वपूर्ण है वास्तविक चीजें आपको मैं वास्तविक वस्तु वस्त बतानी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टीचिंग के लिए बोला कि आपने ना टीचिंग करनी है ठीक है टीचिंग करनी है और आने वाले टाइम में भी मीन्स ये हो जाए कि हाँ आप उस कंडीशन से गुजरे हो एक्चुअली मैंने आपको वो सौंप दी एक्चुअल में तो आपको क्या आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाओगे आप रिप्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को कल को आने वाले टाइम में एक्चुअली मैंने आपको रूबरू करवा दिया कि हाँ टीचिंग कैसी होती है एक्चुअल चीजों से मिलाना जैसे कि एग्जाम्पल देखो लड़की की दी फोटो या लड़के की खाई फोटो इसके साथ रिश्ता हो रहा है फिर लड़के को लड़की से मिलवा दिया एक्चुअल में ठीक है पता चलेगा हाँ। शिक्षा में वास्तविक वास्तविक वस्तु का उपयोग में महत्वपूर्ण वास्तविक वस्तु का उपयोग करने शिक्षा में कि मैंने क्या बोला था कि जब हमें गाय का ऐसे दिया जाता था ना तो मैं गाय को देख देख कर बनाती थी गाय के ऊपर जब ऐसे लिखना होता था तो मैं गाय को देख देख के ऐसे लिखती थी गाय की चार हैं गाय की दो पूंछे हैं तो मीन्स एक्चुअल चीजें हमें बहुत बार बहुत पसंद होती है जब हम किसी चीज को देखते हैं विशेषकर निचली कक्षाओं के छात्रों के लिए ठोस शिक्षण का कर निर्माण करना ठीक है शिक्षण उन्हें दिखाई कि ये देखो ये ट्री है फिर उस इमेज उन्हें दिखाई जाती है या फिर उनको इमेज तो क्या डायरेक्टी ट्री दिखाया जाता है ये ट्री है बाहर जाकर आप देखो मंकी को आप देखो बाहर जाकर हॉर्स को आप देख लो बाहर जाकर ठीक है एलिफेंट को आप देख लो बाहर जाकर तो छोटे बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हाँ मैंने एलिफेंट देखा मैंने हॉर्स देखा तो और ज्यादा चीजों को सिर्फ देख करके एक्चुअल चीजों को जबकि प्रतिनिधि शिक्षण के लिए चित्र और दृश्य का उपयोग उन वरिष्ठ छात्रों को समझाने के लिए किया जा सकता है जिनके पास पहले से वास्तविक चीजों का अब देखो दृश्य का उपयोग है ये चित्रों का उपयोग है ये एक रिप्रेजेंट बन जाएगा जैसे कि मानो मैं आपको लेकर गई मैंने आपको एनिमल्स दिखाए मैंने आपको शेर दिखाया हॉर्स दिखाया एलिफेंट दिखाया मैंने आपको मॉन्की दिखाया ठीक मैंने आपको ठीक है भालू तो उसके बाद में आप आप रूबरू हो गए उनसे एक्चुअली में तो फिर उसके बाद जब मैं पिक्चर में आपको पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखाऊंगी तो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे पिक्चर के फॉर्म में मैम वॉइस ठीक नहीं आ रही मैम वॉइस एंड पीपीट इज नॉट क्लियर वॉइस एंड वीडियो ब्रेक मैम तो क्या करूँ अब इस ब्रेक का <coughs> रहने <coughs> रहने दे क्लास फिर रहने द्लास्ट दे दे हाँ ऐसा कोई फायदा क्लास लेने का फिर कि डी एफ सेंड कर दूंगी अभी ठीक है पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगी अभी और आ गया पापा चलो ठीक है फिर है ना ओके बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल ठीक है बाय बाय अभी और ज्यादा और भी अभी लैंडस्लाइड हुआ है प्रे करो बस ठीक है कल कर, कल कर, कर, कर देखते क्लास होगी तो शेड्यूल पीडीएफ सेंड कर दीजिए पढ़ लेते हैं हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगी ठीक है ओके बाय बाय अभी देखती हूँ पीडीएफ का क्या होता है